आप सभी को हमारा नमस्कार। धान ही जीवन है, हमारे देश में यह कहना गलत नहीं है। खेती के क्षेत्रफल में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है और धान उत्पादन में दूसरे स्थान पर। दुनिया का लगभग 20% धान यहीं उगाया जाता है, जो कृषि की GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद का 15% हिस्सा है। धान के उत्पादन से देश के 6.5 करोड़ परिवारों का जीवन तो चलता ही है, साथ ही ये बड़ी आबादी के रोज के भोजन का जरूरी हिस्सा भी है। धार्मिक मान्यताओं में धान संपन्नता का प्रतीक है। धान की खेती करने वाले 5 करोड़ छोटे किसान यानी स्मॉल होल्डर्स भारत की मजबूत कृषि में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। धान की लगभग 40% खेती वर्षा पर निर्भर होती है। किसानों को सूखा, जल भराव यानी सबमर्जेंस या बाढ़ जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मजदूरों की कमी, ज़्यादा लागत, नई नई किस्म के कीड़े, मिट्टी की खराब हालत और खरीदारों की बदलती पसंद भी बड़ी चुनौतियाँ हैं। धान के छोटे किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए बहुत कुछ बदलने की जरूरत थी, पर बायर ने इस बदलाव की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। सन 1995 में देश में इंटरनेट क्रांति की शुरुआत हुई और कृषि के क्षेत्र में दूसरी हरित क्रांति का भी बिगुल बजा, जिसका माध्यम बना बायर का हाइब्रिड धान अराइज। ये सिर्फ हाइब्रिड धान नहीं था, बल्कि देश के छोटे किसानों को आर्थिक तौर पर सुदृढ़ बनाकर पूरे देश को समृद्ध बनाने के बड़े अभियान की शुरुआत थी। बायर ने अन्नदाता का जीवन बदलने का अभियान शुरू किया, ताकि वो भी अपने परिवार की छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा कर सके। सीमांत और छोटे किसानों के लिए अराइज हाइब्रिड एक वरदान साबित हुआ। इसके कारण उनकी धान की फसल 25-50% तक बढ़ी, जिससे उन्हें 10,000 प्रति एकड़ तक का सालाना फायदा होने लगा। सन 2001 की शुरुआत में बायर हाइब्रिड अराइज 6444 लाया, जो भारत के सबसे ज्यादा खेतों में बोया जाने वाला हाइब्रिड धान बना। 6444 में सबसे मेन बात क्या है कि जो पैदावार हमको 2002 में मिली थी, वो आज भी 18 में भी उसकी पैदावार वही है। 6444 हमने जो देखा, वो एनी हाउ, एनी कंडीशन, एनी प्लेस, हर स्थितियों परिस्थितियों में निश्चित रूप से वो पैदा हो जाता है। 6444 जो है हर मौसम में उपयुक्त धान है, रोग के प्रति भी सहनशीलता है, इसलिए इसका उत्पादन इज द बेस्ट हाइब्रिड। 6444 अच्छा कोई हाइब्रिड है ही नहीं। BLB यानी जीवाणु जनित झुलसा धान की एक बड़ी ही घातक बीमारी है, जो 60% तक फसल को नुकसान पहुंचाती है। सन 2008 में बायर ने BLB प्रतिरोधक हाइब्रिड तैयार किया और किसानों को इससे मुक्ति दिलवाई। ये बायर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। हमारे यहाँ BLB की बहुत समस्या रहती है। हाँ, धनी के आने से हमारा BLB में जो 3-4 हज़ार रुपये खर्चा होता था, उसकी बचत हुई है। BLB की तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या थे, लगभग 30-40-50 तक काफ़ी नुकसान हो जाता था किसानों को। दवाई भी डालते थे तो पर भी असर नहीं कर पाता था। क्या है, धनी धान में BLB के प्रति सहनशीलता था, BLB का रोग नहीं हो पाता था, इससे हम लोग का खर्चा ही बचता था, उत्पादन भी उससे आ जाता था। भूरा माहू यानी BPH, इसका कहीं से भी कोई कारगर इलाज नहीं मिल पा रहा था, जिससे किसान बड़े परेशान थे। इसमें भी बायर ने जीत हासिल की। सन 2017 में बायर ने ऐसी तकनीक तैयार की जिससे BPH और BLB दोनों की रोकथाम की जा सके। BPH से प्रभावित क्षेत्र में किसानों का जीवन दयनीय स्थिति हो जाता है और लोग कर्ज से डूब जाते हैं। धान में माहू अगर लग जाता है तो उसमें 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्चा होता है। 2 एकड़ में अराइज 84-33 लगाए थे, तो अन्य धान में 7-8 स्प्रे किए, लेकिन इसमें 2 स्प्रे किए थे और माहू इसमें नहीं था। अराइज ने किसानों का जीवन बदल दिया। अब किसानों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए किस्मत के सहारे नहीं रहना पड़ता। और इस बात को साबित करने के लिए अराइज इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे किसान भाई हैं, जिन्हें हर साल श्रेष्ठ खेती के लिए पुरस्कार भी मिलते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च किसान सम्मान मिला और कृषि रत्न की उपाधि शासन ने मुझे दिया। ये सम्मान मिला, इसका श्रेय हम अराइज को देंगे, उसके उत्पादों को देंगे और विशेष रूप से 6444 को देंगे। 25 साल वही पैदावार और कोई बीमारी नहीं, तो ये भरोसे का मेन कारण है। एराइज पे इसीलिए बहुत भरोसा है। बायर ने किसानों का समाज में रुतबा भी बढ़ाया और आर्थिक सबलता भी दी। बायर के A4 अराइज नाम के अभियान से जुड़कर किसान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा
और परवरिश दे पाने लगे। हमारी बिटिया बचपन से पढ़ने लिखने में तेज है और हम उसे शुरू से ही डॉक्टर बनाना चाहते थे। हम किसान हैं, आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत तो है नहीं, लेकिन शुरू से सोच थी, करवाना चाहते थे। हमारा भाग्य कहिए या कुछ कहिए, आसे अराइज ने हमारा भाग्य चमका दिया। बस आसे जो है अनार जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो आसे अराइज ही पढ़ाया जाए, ज़्यादा उचित होगा। डॉक्टर बनने में आसे अराइज का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे जीवन में और इसका मैं आसे अराइज का बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगी। इस तरह किसानों की पूरी जिंदगी बदलने में अराइज ने बहुत बड़ी मदद की। अराइज से फिर मैंने बायर को जाना और बायर से जानने के बाद बायर की दवाएं, बाकी सीड इंसेक्टिसाइड सब यूज़ करने लगे और उससे पैदावार मेरी और आगे बढ़ गई। तो मैं चाहता हूं कि ये यात्रा मेरी अराइज और बायर के संग आगे चलती रहे। क्योंकि बायर अराइज से अच्छी फसल होती है, इससे किसानों की आमदनी बढ़ी, वे भी अपने सपने पूरे करने लगे, जैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना, बड़ा घर बनाना और धूमधाम से शादी ब्याह वगैरह करना। अराइज धान लगा करके मैंने अपने 8 लड़कियों की शादी किया है। 10 साल से अराइज की किस्म लगा रहा हूँ, उससे मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई है। मेरा आर्थिक स्थिति अच्छा होने से मैंने अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया है, अच्छे स्कूल में पढ़ा के आज मेरे बच्चे नौकरी में हैं, बेटियाँ नौकरी में हैं, बेटे नौकरी में हैं। 64-44 गोट से अपने जो उत्पादन मिला, जो फ़ायदा मिला, उससे मैं अपनी बच्ची को एक अच्छे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करवा के अच्छे से पढ़ाई करवा रहा हूँ, लेवल करवा रहा हूँ। राइस के अतिरिक्त मुनाफे से गाड़ी खरीदा हूँ, घर बनवाया हूँ और बच्चों का परवरिश कर रहा हूँ। समृद्धि की ये कहानी अराइज से 25 सालों से जुड़े हुए 25 लाख किसानों की है और तब से अराइज हर साल तकरीबन 2.5 करोड़ एकड़ खेतों में लहराता है। किसानों ने अपने देश के खाद्य भंडारों में 10 मिलियन मीट्रिक टन अतिरिक्त चावल का योगदान किया और 17,000 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी भी कमाई। बायर के अराइज की सफलता में इसके वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन शामिल है। अराइज धन्यवाद करता है धान से जुड़े उन व्यवसायिक बंधुओं का जिन्होंने अलग अलग राज्यों में अराइज को दूर दराज इलाकों में किसानों तक पहुंचाकर अराइज के इस अभियान को बहुत बड़ा योगदान दिया है। अराइज के आने से पहले जो हमारा नेटवर्क था उसमें वैल्यू वाइज कोई बहुत बड़े प्रोडक्ट नहीं थे। अराइज के आने से वैल्यू एडिशन हुआ, रिटेलर्स का मुनाफा बढ़ा, उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ी, उसके साथ साथ नए इनोवेशन होते गए, तो एक व्यवसाय का रूप वास्तव में अराइज के आने के बाद ही ये व्यवसाय का रूप ले सका। इस अभियान को 25 लाख किसानों के घरों तक पहुंचाने में बायर के प्रतिनिधियों की बड़ी कोशिश है, साथ ही सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के अधिकारियों का भी बड़ा योगदान है। अराइज का ये अभियान अब यूं ही चलता रहेगा। बायर की कोशिश है कि किसान और खरीददारों की हर नई जरूरत जैविक और अजैविक विषमताओं की प्रतिरोधी तकनीक के साथ हर छोटे और सीमांत किसान तक हाइब्रिड धान को पहुंचाने में कमी ना रखे। ये कहानी केवल राम कीरत, राजेश, लीला और परमेश्वर जैसे हम किसानों की ही नहीं है, बल्कि ये कहानी इस देश के लाखों करोड़ों किसानों की है। बायर के असाधारण प्रयास अभी जारी है, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है, इसलिए हिस्सा बनिए किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने वाले इस अभियान का। आइए गर्व से कहें, अराइज के 25 साल बेमिसाल। अराइज के 25 साल बेमिसाल है, हर किसान खुशहाल है। अराइज के 25 साल बेमिसाल है, हर किसान खुशहाल है। अराइज के 25 साल बेमिसाल, हर किसान खुशहाल।